वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आपके दस फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मेरी कहानी है, हम यही चला गए ऐसा है मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ मम्मी जी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। कलकत्ता गंगा में आए थे मम्मी जी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। स्नान किए और माता जी का अस्थि यहाँ पर हम विसर्जन किए। हम हावड़ा ब्रिज के नीचे आ गए। यहाँ पर गंगा मैया जी से थोड़ा गंगा का पानी लेंगे और थोड़ा मिट्टी लेंगे यहाँ से। तो मेरे साथ है साले जी और मैं दोनों जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग उधर जाएंगे शायद, नहीं वो जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वहीं से फिर ऊपर नीचे जाकर और इधर एक क्या मार्केट है ना, बड़ा मार्केट है कलकत्ता का बड़ा मार्केट है। तो हम बड़ा बाजार में जाएंगे। अभी हम बड़े बाजार फ्लाई ओवर के साइड से आकर चांपर फ्लाई ओवर जहाँ शुरू होता है वहीं से दाहिने तरफ बाएं तरफ कॉस्मेटिक की दुकान है, ऐसे फुट में लगा हुआ है कॉस्मेटिक की दुकान। सब कॉस्मेटिक यहाँ से फुटपाथ में इस साइड से वहाँ तक ऐसे गांव में कॉस्मेटिक की दुकान है। सब उसके साले सब कुछ लेते कॉस्मेटिक कलकत्ता बड़े बाजार का कॉस्मेटिक दुकान का गली है। यहीं पर रेट बहुत चीप रहता है हर चीज़ का, कोई भी कॉस्मेटिक का चीज बहुत चीप रहता है। इधर जो है फूलों की मार्केट है, बहुत सारे वैरायटीज फूलों की मार्केट है। यहाँ फूलों की सब होलसेल रेट में लोग दे रहे हैं फूल, बहुत सारे फूलों की होलसेलिंग दुकान है यहाँ पर। जितना दिखाई दे रहा है सब फूलों की होलसेलर है सब। एक सौ कुछ की किलो ना कि किलो सब एक सौ कुछ बहुत सस्ता था। कम से कम ये ब्रिज जो है हाफ किलोमीटर होगा शायद। जैसे कि हम लोग यहाँ से पैदल चलने का रास्ता है कम से कम 10-12 फुट का रास्ता है ब्रिज के ऊपर से। वो साइड में भी ऐसा रास्ता है 12 फुट का रास्ता पैदल चलने का। देख सकते हैं ब्रिज के वो साइड में भी रास्ता लोग जा रहा है। कम से कम ब्रिज पैदल पार करने में 10 मिनट लग गया। ब्रिज का कौन है ये? तो यहाँ पर गन्ने का जूस है, उसका जूस पी लेते हैं। सुबह से कुछ खाए नहीं, अभी दिन के 11 साढ़े 11 बजे
एक दिन हमारे माल आने के पहले पूछ लेते हैं कितना कैसे दे रहा है। कहीं पर भी आप जाइए तो पहले पूछ कर आइएगा जरूर। डस्टबिन कहाँ है? डस्टबिन। थैंक यू भैया, अच्छा बैठा है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हावड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों हम पहुंच गए हावड़ा प्लेटफॉर्म के अंदर। घर मास्क पहनना बहुत जरूरी है इस काम है। 19 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। शाम 19 नंबर प्लेटफॉर्म आ गए। एक 25 से हावड़ा स्टेशन से गाड़ी निकला और यहाँ के घर में 3:15 में पहुँच गए हैं अभी हावड़ा स्टेशन पर। और हावड़ा स्टेशन से भुवनेश्वर जाते जाते रात का 8 बज जाएगा। तो अभी तक भूख लगा हुआ है तो फिर क्या काम करूँ। फिर अभी फ्रूट खाने वाला, फिर घर 8 बजे पहुँच जाएंगे, फिर 9 बजे जो बोलते बस वो बोलते ही पका होगा पका हुआ आते है सड़क के अंदर सड़क स्टेशन में। तो अभी रात के 8 बजे हम पहुँच गए भुवनेश्वर। अभी उतरते हैं भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म में। भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म से उतर के वहाँ से ऑटो से चला जाएंगे। घर भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म से यहाँ से ऑटो लेके जाएंगे। चलो ऑटो में चलते हैं। घर दिन भर थक चुका हूँ।